हेलो गाइस, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों मैथ्स का दंगल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, अगर नए आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आवाज़ प्रॉपरली आ रही है तो कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। मैं आपकी कमेंट्स यूट्यूब पर देख सकता हूँ। तो दोस्तों, जरा यूट्यूब पर आइए और कमेंट कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट क्लास है, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग हो गया, रेलवे, सीसेट, स्टेट एग्ज़ाम, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और ज़रा आ जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है MPPSC रिगार्डिंग भी। दोस्तों, सीसेट की एग्ज़ाम है, कांस्टेबल हो गई, बैंकिंग सेक्टर की कोई भी एग्ज़ाम रहे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हो तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे एवरेज के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरेज के क्वेश्चन, औसत के क्वेश्चन। तो जरा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ना चाहिए हमारे इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ। मैथ्स का दंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक के लिए, तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, जरा शेयर कर दो अधिक से अधिक लोगों में। दोस्तों, मैथ्स का दंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग क्लास है, तो जरा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइव क्लासेस होंगी दोस्तों, डेली बैक टू बैक क्लासेस चलेंगी यहाँ पर। हर एग्ज़ाम की क्वेश्चन आंसर मैथ्स के बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे और ज़रा शेयर कर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर डेली क्लास होंगी दोस्तों। आज औसत के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए, SSC एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे, सीसेट, सभी के लिए मोस्ट एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शॉर्टकट ट्रिक जिसके थ्रू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अफोर्डेबल क्लास है और दोस्तों फ्री क्लास है, ऐसा नहीं कि पेड क्लास है, फ्री क्लास है। हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों मॉडिफाई स्टडी करके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है इसलिए शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। ग्रुप जितने भी हो उसमें शेयर कर दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। औसत की क्लास है दोस्तों आज, एवरेज, तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैनल को भी सब्सक्राइब करना, तो जरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बैक टू बैक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, जरा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपकी कमेंट्स यूट्यूब पर देख सकता हूँ, तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो जरा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स का दंगल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो ज़रा
आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन है दोस्तों 4, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। क्या पूछा आपने को, औसत ज्ञात करना है 1, 3, 5, 7 और 9 और 11। दोस्तों इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, एक एक और तीन के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 और 5 के बीच में 2 का, फिर 5 और 7 के बीच में भी 2 का, 7 और 9 के बीच में 2-2 का डिफरेंस, मतलब सेम बनेंगे पैटर्न में, मतलब समान डिफरेंस, अंतर समान है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसका औसत लिख सकते हैं दोस्तों, इसका औसत होगा 7, इसका औसत होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 7 इसका औसत होगा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 7 सही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, -46, 47, 48 और 49 का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 1 से लेकर 49 के बीच का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 30। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों इसके लिए आप क्वेश्चन कमेंट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कमेंट कीजिए, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1, 2, 3 से लेकर 49 तक के बीच के आंकड़ों का औसत ज्ञात करना है, तो इसका औसत क्या होगा, तो औसत से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका औसत ज्ञात कीजिए और कमेंट कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैथ्स का दंगल लाइव क्लास है दोस्तों, तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 से लेकर 49 तक है, तो दोस्तों प्रथम संख्या इसमें 1 हो गई और अंतिम संख्या हो गई है 49, अंतिम संख्या 49। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है औसत ज्ञात करने का, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो क्या हो गया 1 प्लस 49, तो ये हो गया दोस्तों 50 बटे 2, तो इसका हो गया 25। तो डायरेक्टली ये इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका उत्तर है 25। एक से लगाकर अगर आपको कितनी भी मतलब सेम रहे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ज्ञात कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो ये होता है फॉर्मूला औसत का। ऐसे ही आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फॉर्मूलाज भी मिलते रहेंगे, जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत तथा सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 1 से 45 तक की सम संख्याएं और तथा 1 से 45 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सम और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों 1 से 45 तक की, तो इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे पहले से सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या पहले पूछिए, तो 1 से 45 तक की सम संख्याओं में दोस्तों प्रथम संख्या, हम लोग औसत का फॉर्मूला पढ़ा, प्रथम संख्या प्लस होती है अंतिम संख्या बटे 2, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों प्रथम संख्या इसमें सम में से प्रथम होंगी 2 और प्लस से अंतिम संख्या 44 होंगी बटे 2, ये कितना हो गया 40 बटे 2, तो इसका उत्तर आएगा 23, सम का हो गया औसत 23 निकल गया। अब है विषम संख्या की बारी, तो विषम में क्या होंगे, प्रथम क्या 1 ही होंगी और प्लस होंगी विषम में ही 1 से 45 तक 45 होंगी बटे 2, ये सम का हो गया और बात है विषम की।
तो विषम में 1 + 45/2, ये भी होगा 40/2, 40/2 होता है दोस्तों 23, तो इसका उत्तर आएगा 23 तथा 23, तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्या होता है 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत 23 तथा 23 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर 23 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या क्वेश्चन है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए 1 से लगाकर 23 तक। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1, 2n+1 ब्रैकेट, फिर बटे में होता है 6, तो ये लगाकर होता है 1 से लेकर तो n संख्याओं तक वर्गों का औसत होता है n+1, 2n+1, इस तरह होता है। दोस्तों यहाँ पे n का मान होता है 23, यहाँ n का मान है प्राकृतिक संख्या के वर्गों में। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के थ्रू, 23 + 1 = 2×23 + 1, इस तरह, और बटे 6, ये हो गया 24, और ये हो गया 46+1, और ये हो गया 47/6। तो दोस्तों कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, 24 × 47, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 188 पूरा भाग देने पर। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 188 आता है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कोर के निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा? तो इनका औसत ज्ञात करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 59, 84, 44, 98, 30, 40 and 58, तो इनका औसत ज्ञात करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो औसत के लिए तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 52 और ऑप्शन ई है 59। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके औसत का दोस्तों फॉर्मूला ही होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं। अब जैसे सभी संख्याओं का योग यहाँ करते हैं 59 + 84 + 44 + 98 + 30 + 40 + 58 बटे में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 संख्या है। इनका टोटल कर लो तो इनका टोटल होता है 413/7, 413 को 7 के साथ देंगे 35, 59, तो इसका उत्तर आया दोस्तों 59, इसका उत्तर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका उत्तर है 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, स्कोर के निम्न सेट का औसत है 253, 154, 234, 535, 334, 336, 375, 101, 443 और 760। ऑप्शन ए है 427, ऑप्शन बी है 413, ऑप्शन सी है 441, ऑप्शन डी है 490 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
इन सभी को टोटल करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला ही है संख्याओं का योग बटे संख्याएं। इन सभी का टोटल बटे संख्याएं, कितनी संख्या है गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बटे 9। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दोस्तों। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोर के निम्न सेट का औसत क्या होगा, निकटतम पूर्णांक का तक पूर्णांकित। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है, तो ज़रा सॉल्व करिए और दोस्तों कमेंट करिए। मतलब निकटतम बताना है, मतलब अप्रोक्सीमेट बताना है इसका क्या होगा आंसर। तो इसको दोस्तों औसत का ही फॉर्मूला है, औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता है दोस्तों। तो औसत का फॉर्मूला है संख्याओं का योग बटे संख्या है। तो इनकी को सॉल्व करिए, 62+76+84+21+47 और +28 बटे में आ जाएंगे इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका टोटल होता है दोस्तों 360/7। तो इसका सही उत्तर आता है 5। और ये आता है 51/4। निकटवर्ती आता है दोस्तों 51, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है, इसका उत्तर आता है 51.42। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10, 12, 16, 20 पी और 26 का औसत 17 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसमें पी का मान बताना है दोस्तों। इन सभी का औसत कितना है, तो सभी का औसत है 17। तो क्वेश्चन के अनुसार ही देखते हैं, 10+12+16+20+P+26, तो इन सभी का औसत है दोस्तों कितना है इसका औसत है, तो इसका औसत है 17। और ये टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं हैं, इस तरह से इसका बन रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा पक्षांतर करने पर, 17 × 6 = अब इनको टोटल करेंगे, 84 होता है इनका टोटल प्लस पी, 17 × 6 = 102 और ये होता है 84+P। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चला गया, 102 - 84 और इधर हो जाएगा पी, तो ये बचेगा दोस्तों 18। पी का आंसर आ जाएगा 18, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पी का उत्तर आ जाएगा 18। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, कितना, ऑप्शन बी इसका सही है, पी का मान आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं का औसत, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी, प्रथम 9 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये तो प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका 9 अभाज्य संख्या होंगी, अब इनका टोटल करना है, 2+3+5+7+11+13+17+19 और +23 बटे 9। तो इनका सभी का टोटल आता है दोस्तों 100, इसका सभी का टोटल आता है और बटे 9।
अब ऑप्शन में तो इसका दिया नहीं है, तो अब जरा भाग दे देते हैं। कितने बार भाग जाएगा? तो ये भाग जाएगा दोस्तों 11 बार भाग जाएगा, बचेगा एक और बटे 9। तो इसका सही उत्तर है 11 सही 1/9, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम संख्या प्लस होता है अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम सम संख्या मतलब 11 से, तो इसमें आ जाएंगी 12 और इसमें आ जाएगा दोस्तों 62 अंतिम में, बटे 2, ये कितना होता है 74/2, तो ये आता है 37, इसका उत्तर आता है 37, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एन। तो प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होगा, हम लोगों को सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम पांच औसत घनों का औसत ज्ञात करना है। तो एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत एन एन प्लस 1 बटे में स्क्वेयर है और बटे में 4 है औसत। तो यहाँ n का मान है दोस्तों 5। अब यहाँ से 5 रख के सॉल्व करते हैं, n का मान 5 + 1 बट स्क्वायर में और बटे में 4, तो ये हो गया 6। 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 × 36 बटे 4 ये होता है 45, इसका उत्तर हो गया 45, इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत क्या होगा? क्या बोल रहा है, 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत। इसमें प्रथम संख्या दोस्तों 12 प्लस अंतिम संख्या आ जाएंगी 120 बटे में 2, तो इसका सही टोटल कर लो ये कितना होगा। टोटल करने पर 120 132/2, ये आ जाएगा 66, इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या का औसत होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या क्या होगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 10 संख्याओं का औसत कितना 7, और औसत को 12 से गुना कर दिया तो दोस्तों वही संख्या होंगी जो 7 और 12 से होंगे साथ ही, तो ये होगा 84, क्योंकि उतना ही गुना हो जाता है दोस्तों कि किसी संख्या का औसत करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 प्रेक्षणों का औसत 7 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नवीन औसत कितना होगा। तो दोस्तों 7 प्रेक्षणों का कुल योग कितना, 49, 7 प्रेक्षणों का औसत हो गया 7। तो फिर नया औसत देखते हैं, नया औसत 49 + 7 × 2, 49 + हो गया 14/7, 63/7 ये हो गया 9, कितना इसका उत्तर हो गया 9।
और दोस्तों एक वैकल्पिक विधि भी है, यदि प्रत्येक संख्या में एक की वृद्धि की जाए तो उनके औसत में भी एक की वृद्धि हो जाती है। कितना? उतने की वृद्धि हो जाती है। इसमें दो की वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट 7 + 2 भी लिख सकते थे, तो इसका उत्तर 9 आ जाता शॉर्टकट ट्रिक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत, तो 5 खिलाड़ी के रनों का औसत है 84। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 122 + 62 + 79 24 हो तो पांचवें खिलाड़ी के रनों की संख्या, तो पांचवें खिलाड़ी के रनों की संख्या क्या होगी? तो पांचवें खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात करना है। क्या बोला? 5 खिलाड़ी के रनों का औसत, तो 5 × 84 हो गया, औसत में निकालेंगे तो कितने टोटल, तो हो गया 420। अब 4 खिलाड़ी के रन 122 + 62 + 79 + 24 और पांचवें खिलाड़ी के फिर एक्स मान के चलते हैं हम लोग दोस्तों, तो ये कितना हो गया? इसका टोटल 287 प्लस एक्स 420, 420 माइनस 287 बराबर से एक्स, तो फिर एक्स का मान हो गया 133। ऑप्शन ये सही है। तो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं इसी टाइम पर दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते रहिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाए हुए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।